नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है शुगर कैन फार्मिंग। आज मैं बताऊंगा नीम कोड़ी, जो नीम का फल होता है भाइयों, उसको हम अपने किस प्रकार से इसका तेल तैयार करके अपनी सब्जियों और फसलों पे इसका प्रयोग किया जा सके। इससे क्या होता है किसान भाइयों, कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है जो हम उस सब्जी को यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा पिछले साल का आयल है, मैं इस प्रकार से हर साल मैं तैयार करके रख लेता हूँ और अपनी सब्जियों पे इसका प्रयोग करता हूँ। तो मैं भी इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखते जाइएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। जो किसान भाई मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास वाली घंटी को जरूर दबाएँ। तो भाइयों, ये देख सकते हैं, यही हमारी गुठलियाँ हैं नीम की, जो इसको नीचे इकट्ठा किया गया है। इसको अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लेना चाहिए और इसमें जितना भी ये मिट्टी या जितना भी इसके अंदर सफाई अच्छे तरीके से कर लें। गुठलियों को एक तरफ किनारे करके सफाई करें इसकी, और इसको अच्छे तरीके से सुखाना चाहिए। इसका छिलका बहुत आसानी से छूट जाता है रगड़ने पे। इसको जब हम रगड़ेंगे तो इसका छिलका छूट जाएगा। चटाई वगैरह पे रगड़ दें और फिर इसको अच्छे तरीके से सुखा लें। जब इसके अंदर का गूदा बिल्कुल सूख जाएगा भाइयों, और फिर वो तेल लायक होगा निकलवाने का। ये देख सकते हैं, धूप में इसके कम से कम 15 से 20 दिन तक सुखाएं इसको, गुठलियों को अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद में। और ये जो अवशेष हैं भाइयों, ये भी बड़े काम के हैं। पशुओं के जो मक्खी मच्छर, शाम के वक्त आप इसका धुआं करेंगे, मक्खी मच्छर भी पास नहीं आएगा आपके पास, पशुओं के पास। तो भाइयों, गुठलियों को निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। तेल जो मैं कई सालों से निकलवाता हूँ, जिस चक्की में हम सरसों का तेल निकलवाते हैं, उस चक्की में आप घर गांव में लगी हुई हैं, वहाँ से आप इसको निकलवा सकते हैं तेल को। बहुत अच्छे तरीके से तेल भी निकल जाता है इसका, पर इसको अच्छे तरीके से सुखा लेना चाहिए पहले। खूब अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और जो अंदर का गूदा वो भी सूख जाए। और पौधा भी ज़रूर लगाएं नीम का, एक दो पौधा काफ़ी हो जाता है भाइयों। तो ये जो तेल आप देख रहे हैं, ये मेरे पिछले साल का तेल बचा हुआ है, जो मैं अपने सब्जियों पे इसका प्रयोग करता चला रहा हूँ। कम से कम 4-5 साल हो गए मुझको, मैं किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करता हूँ भाइयों। 4 से 5 ml काफ़ी होता है, 2 लीटर मात्रा है ये। ये हैंड वाली मैंने रखी हुई है स्प्रे मशीन, सब्जियों के लिए स्पेशली। तो इससे क्या है भाइयों, बाज़ार से जो कीटनाशक आता है वो बहुत हानिकारक होता है, जो अब सब्जियाँ हम खाते हैं तो बहुत से साइड इफ़ेक्ट और बीमारियां फैलती हैं शरीर के अंदर। इसके हमको स्प्रे से, नीम के तेल से किसी प्रकार का कीट और जो फल छेदक कीट होते हैं, सुंडी होती है खासकर हमारे जो बैंगन में और करेले वगैरह में, बिल्कुल भी पास नहीं आएगी, कोई बीमारी भी नहीं आएगी। पौधा ग्रोथ भी अच्छा करेगा, हरा भरा रहेगा। आप देख सकते हैं, मैं खुद स्प्रे कर रहा हूँ अपने करेले पर, और मैंने सब्जी लगा रखी है, बैंगन भी है, भिंडी भी लगा रखी है, थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक इसमें 2 से 3 स्प्रे किया है। और भाइयों, एक बात और बता दें, पशुओं के लिए, मक्खी मच्छर के लिए भी एक रामबाण है ये नीम का तेल। और ये बैंगन में जो फल छेदक कीट लगता है वो भी नहीं लगेगा, और आपका पौधा हरा भरा रहेगा। इससे आने वाले जो रोग हैं वो भी नहीं आएंगे। इसके अंदर 4 से 5 तत्व पाए जाते हैं नीम के तेल में भाइयों। नाइट्रोजन भी होती है इसमें 3% तक, वो आप पे डिपेंड क्वांटिटी पे करता है कितनी है ले रहे हैं आप। और भाई, ये पशुओं की बात कर रहा था, तो आप स्प्रे शाम के वक्त कर दें, स्प्रे पशुओं पे, अपनी गायों पे, तो मक्खी मच्छर नहीं आएंगे पास में। और जो मेरा ये फल है, लौकी का फल है, ये आप कुमड़ा ले लें और बैंगन ले लें, सभी पे स्प्रे करता हूँ मैं, और इसका एक्सपीरियंस काफ़ी सालों से मैं लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं कीटनाशक किसी प्रयोग नहीं करता हूँ अपनी सब्जियों में। ये हमारी लौकी हो गई है, जो मैंने अपने छत पे इसको चढ़ा रखा है। और हर किसान भाई को थोड़ी थोड़ी ज़रूर सब्जियों की बुआई करनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। घर की सब्जी का टेस्ट कुछ और होता है भाइयों, और मार्केट की सब्ज़ी का टेस्ट कुछ और होता है, वो हमारे किसान भाई जानते ज़रूर होंगे। तो एक लाइक तो बनता है भाइयों, अब लाइक करके जाइएगा तो अच्छा लगे वीडियो। तो
और ऐसे ही मैं नए नए वीडियो लाया करता हूँ इस चैनल पे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।